दीपों का त्योहार, तो हो जाइए तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि दिवाली की रौनक न सिर्फ आपके घरों में, आपके दिलों में, बल्कि बाजारों में भी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट देने से और साथ ही उनकी दुनिया को, उनकी खुशियों को मिठास भरने के लिए आपको मिठाई के भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो साथ ही घरों को सजाने के लिए कहीं ना कहीं दिवाली का जो त्यौहार है काफी जाना जाता है, कैसे उनको लाइटिंग करनी है, कैसे उनको सजाना है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 28 के मार्केट में और आप देख सकते हैं कितनी जो गुलजार है यहाँ पर जो है पूरी मार्केट, और इस मार्केट में आपको तमाम तरह के ऑप्शन जो है वो दिखाई देंगे। तो मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरा पर्सन ये लाइटिंग पर एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिवाली का जो मौका होता है सफाई के साथ और घरों को सजाने में काफी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। और ये देखिए आपको लाइटिंग के लिए कई कई ऑप्शन जो है कलरफुल ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो है दिया, क्योंकि दिया, एक दिया ही घर को रोशन कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपको इतने सारे जो दिए हैं लड़ी के ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं जो अक्सर लोग प्रेफर करते हैं, और कहीं ना कहीं ये दिए आपके घरों को सजाने में एक अहम भूमिका जो है निभा सकते हैं और किस तरह से आप अपने घर को सजा सकते हैं। बाकी की भी जो है प्रोडक्ट हम यहाँ पर देखेंगे और अपने रिश्तेदारों को आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं उसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस बार दिवाली के मौके पर बाजारों में क्या है खास। हम पहुंच गए हैं एक शॉप पर और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां यहाँ पर हैं, क्योंकि पूजा का विशेष महत्व जो है दिवाली के मौके पर देखा जाता है, चाहे वो लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति हो, बेहद ही खूबसूरत। और कहीं ना कहीं शॉप पर मुझे मेक इन इंडिया की झलक भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मिट्टी के एक बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिए आपके सामने हैं। ये देख सकते हैं कि ये तो सिंपल एक दिया है लेकिन बेहद खूबसूरत दिया यहाँ पर है। आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से जो है ये किनारियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, और वहीं अंदर जो है स्वास्तिक का एक चिन्ह है जो कि बेहद शुभ माना जाता है। और अगर आप दियों को अपने घर को सजाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा आया था कि मिट्टी के दियों को कोई लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से वो ट्रेंड यहाँ पर झलकता दिख रहा है और मेक इन इंडिया का यहाँ पर जो है यहाँ पर देख रहे हैं। और कुछ उपभोक्ता भी यहाँ पर हैं जो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कुछ खरीद रहे हैं। मैम, आप क्या खरीद रही हैं? मैं तो मूर्तियाँ ले रही हूँ। कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, क्या खरीदा आपने, हम देखना चाहेंगे। हमने इधर खरीदी है चीज़ें। यहाँ मैं चाहूँगी कि एक बार देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर लक्ष्मी जी, गणेश जी की ये मूर्ति है और बेहद खूबसूरत यहाँ पर लग रही हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर शॉपिंग के, और जाहिर है दिवाली का मौका है, तो आप इसके अलावा और क्या कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ से? यहाँ से हम लोग सिर्फ मूर्तियाँ ही लेते हैं, क्योंकि इनकी मूर्ति कलकत्ता की होती है जो काफ़ी अच्छी मूर्ति होती है। और कितने सालों से आप खरीद रहे हैं? करीब 7-8 साल से हम इनसे मूर्तियाँ ले रहे हैं। तो हर बार आप मूर्तियाँ? मैं यहीं से लेती हूँ, मूर्तियाँ यहीं से लेती हूँ। तो बिल्कुल भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन्होंने जो मूर्तियाँ यहाँ पर खरीदी हैं, ये मूर्ति का प्राइस क्या है, क्योंकि बेहद खूबसूरत है। और इस बार जो शॉप में मुझे कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया, जिसकी मोदी जी बात करते हैं, उसकी भी झलक दिख रही है। तो कितना ट्रेंड कर रहा है, लोग मिट्टी के दियों को कितना प्रेफर कर रहे हैं, और सबसे खास आपका इस बार दिवाली पर क्या? इस बार तो मिट्टी का ही दिए चल रहा है ज़्यादातर बस, और मूर्ति कलकत्ता की है, कपड़े वाली 1250-1550 ऐसे। बिल्कुल, जो इन्होंने अभी मूर्ति खरीदी थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसमें जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग यहाँ पर मूर्ति दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से इसमें ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो ये ज्वेलरी पूरी यहाँ से दिखाई जा रही है कि पूरा मिट्टी की बनी होती है, लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी है। इसकी खासियत, इसकी विशेषता? खासियत ये है कि कलकत्ता की ये है, कलकत्ता में ये माना जाना चटर्जी होता है, कंपनी है, ब्रांड है कलकत्ता का माना जाना, बस इसीलिए इसका डेकोरेट किया जाता है उसी हिसाब से बस। 7-8 साल से ये जो खड़े थे यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, कब से आप ये दुकान लगा रहे हैं, और 7-8 सालों में कितना फर्क आया है शॉपिंग में लोगों को? शॉपिंग में ऐसी है, इसका तो मूर्ति हम हमेशा देखते हैं, सालों में एक बार ऐसी है, हमेशा ऐसी रहता है। लेकिन आपके शॉप पे सबसे जो इस बार ट्रेंड कर रहा है, लोग सबसे ज़्यादा जो प्रेफर कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी मूर्ति है जिसका प्रेफर कर रहे हैं, और कौन सा थी? यही है जो मैडम लिए अभी, ये वाली। कितना प्राइस है, लोगों को कितनी जेब ढीली करनी पड़ेगी? जेब ढीली क्या है, तो मिनिमम रेट है इतना ही, 1250 का है ये। ठीक है, तो यानी कि अगर आप
क्योंकि पूजा का विशेष महत्व जो है वो होता है, और ये खूबसूरत मूर्ति गणेश जी की और लक्ष्मी जी की अगर आप लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन को भी वो शांति यहाँ पर मिलेगी। न सिर्फ मूर्ति, मैंने आपको दिए भी दिखाए किस तरह से बेस्ट दिए यहाँ पर हैं, वहीं अगर आपको घरों को सजाना है तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि रंगोली आप बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मोर के पंख का एक दिया है, और देखिए हर पंख में आपको एक दिया जो है वो नज़र आएगा, कलरफुल है, और कहीं ना कहीं आप जितना कलरफुल ये है उतना ही आपकी खुशियों को कलरफुल ये दिया बना देगा, आपके घर को भी क्योंकि बेहद खूबसूरत है। तो वहीं आप ये भी देख सकते हैं स्वास्तिक का जो है कहीं ना कहीं हर दिए में जो है वो दिखाई दे रहा है, ये भी एक गोल दिया है, और कहीं ना कहीं रंगोली का आकार, क्योंकि कुछ लोगों को रंगोली भी नहीं बनानी आती है तो उनके लिए भी एक मददगार दिया हो सकता है, तो बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि दियों की मूर्ति की तो हमने बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा आप अपने रिश्तेदारों को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर और आप अपने घरों को किस तरह से सजा सकते हैं उसके भी ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप चाहूँगी, क्योंकि बच्चे भी दिवाली का कहीं ना उनमें ज़्यादा क्रेज़ देखा जाता है, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए आप बम पटाखे जो लोग फोड़ते हैं, बच्चे फोड़ते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही क्यूट क्यूट यहाँ पर गन्स हैं, इनसे भी जान लेते हैं। भैया क्या क्या ट्रेंड कर रहा है आपका? ये वाले सबसे बेटर में अभी गन चले, जैसे इससे बच्चों का नुकसानी भी नहीं होते हैं और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं ये गन जी। और कितना सेल कर पाए अभी तक आप? आपको लग रहा है दिवाली का वो क्रेज, क्योंकि पटाखों को लेकर जिस तरह से बोल रहे हैं, क्या असर पड़ा है इसका? जी सही चल रहा है, अभी सही चल रहा है जी। लोग पसंद, बच्चे पसंद कर रहे हैं, बच्चों ये वाले गन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एक छोटा सा बच्चों में ये वाले हैं, ये वाले ज्यादा पसंद और करते हैं। ज्यादा पसंद करने की वजह, इसमें लाइट भी जलते हैं और इसे बच्चों के पटाखे नहीं फोड़ सकते, इसे सिर्फ लाइट जलते हैं और आवाज करते हैं। कहीं ना कहीं हम ग्रीन दिवाली की बताने की बात करते हैं, क्योंकि पटाखे कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो बच्चों को और बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पटाखे जो है वो काफी डेंजर रहते हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए गन्स के ऑप्शन है, लाइटिंग इसमें है क्योंकि रोशनी का त्यौहार है दिवाली। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है इस मार्केट में वो भी देख लेते हैं। तो मिट्टी के दियों के बारे में तो हमने आपको दिखाया, कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको दियों में मिल रहे थे, मूर्तियां जो हैं उसकी भी शॉपिंग करा दी कि आपकी पूजा जो है वो इस बार खास बन जाए। लेकिन मिट्टी के दियों के अलावा मोम के दिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें ज्वेली दिए भी यहाँ पर हैं, और जो शॉप के ऑनर हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैम मेरा नाम आकाश है। आकाश जी, आपकी शॉप पे बहुत सुंदर सुंदर मोम की जो है अलग अलग वैरायटी जो है वो दिखाई दे रही है दियों में, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोग क्या ज़्यादा क्या प्रेफर कर रहे हैं? मैम लोग आजकल मैम चाइनीज जो चीज़ें हैं उनको एकदम अवॉइड कर रहे हैं, हमारे पास इंडियन लड़ियाँ हैं, इंडियन ये सारी लड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर भी मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं झलक दिख रही है साफ तौर पर, और साफ तौर पर आकाश जी का यही कहना है कि इंडियन लड़ी का जो है यहाँ पर इस्तेमाल जो है लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार आकाश जी आप दिखाइए कौन सी वो लड़ियाँ हैं जिससे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। ये वाली मैम जैसे ये इंडियन है, इसमें ट्रेडमार्क भी दे रखा है और ये इंडियन लड़ियाँ हैं। कितने की पड़ती है ये मैम? नॉर्मली मतलब चाइनीज है तो महंगी है, ये आपको 150, 160, 170 ऐसे उसके लगभग मिल जाएंगी। बहुत सुंदर सुंदर आगे भी जो दिए हैं और गिफ्ट के तौर पर आप इसको दे सकते हैं। मैं चाहूंगी आकाश जी एक बार आप अपने शॉप पर जो पीछे मैं देख रही हूँ वो सीढ़ी वाला जो दिया है उसमें लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी है, मैं चाहूंगी कि एक बार वो आप दिखाइए। तो ये देखिए, ये सिर्फ ना आप दियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, गिफ्ट के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक सुंदर सा एक अलग अनोखा सा गिफ्ट अपना देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंडी सा ये लग रहा है। ये किस चीज़ का बना हुआ है? मिट्टी का? ये मिट्टी का है और साइड में यहाँ आप दिए जला सकते हैं और कांच लगा हुआ है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो होगा ही, चारों तरफ और लाइटें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, और कलरफुल जो है यहाँ पर दिए हैं, कहीं ब्लू दिख रहा है तो कहीं गुलाबी रंग है, तो कहीं ना कहीं आपकी दिवाली इस बार कलरफुल होने वाली है। इसका प्राइस कितना? ये मैम आपका 300 तक का पड़ जाता है। 300 का, तो ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मेहमानों को ये गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ पर है, तो गिफ्ट का ऑप्शन भी हमने आपको दिखाया। ना सिर्फ आप अपने घरों को यहाँ पर सजाने के लिए ऑप्शन है, बल्कि आप अपने मेहमानों को अपने रिश्तेदारों को भी गिफ्ट दे सकते हैं, और ये गिफ्ट जाहिर तौर पर उनको खुश कर देंगे। बिल्कुल आकाश जी, और क्या आपके दुकान पर है? क्योंकि मुझे, मैं पीछे जो देख रही हूँ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट मुझे वो ग्लास वाले दिए हैं, क्या है वो आप बताएं। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जैसे मैम ये है आपका, ये हैंडमेड है, हैंडमेड मटके में है, इसके अंदर वैक्स भरी हुई है, ये ऑलमोस्ट एक दो घंटे ढाई घंटे चल जाता है। ये प्राइस मैम आपको ये 200-250 तक का पड़ जाएगा। और जैसे आपका ये है,
ये डेकोरेशन के लिए आपको लैंप मिल जाएगा, लैंप आप अंदर जला सकते हैं, ये आपको 120 का पड़ जाएगा। और ये कितनी देर तक? ये ऑलमोस्ट एक घंटा तो चलते हैं, एक डेढ़ घंटा चलते ही है मैम। और एक ये चीज़ भी मुझे बहुत पसंद आ रही है, ये भी क्या कैंडल है? ये भी कैंडल है मैम, इसके अंदर भी है, ये ग्लास का बना हुआ है, इसके अंदर आपकी जली भरी हुई है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर, अलग अलग डिफरेंट तरीके की कैंडल्स हैं। देखिए किस तरह से फ्लावर है, मतलब अगर आप अपने घरों को फूलों से सजाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल फूलों की बात करें तो वो मुरझा जाते हैं, तो ऐसे में मोम के जो दिए हैं उनको फ्लावर शेप यहाँ पर दी गई है, और इसमें आपको कलर वेराइटी भी जो है वो मिल जाएगी। ये देखिए कि इसमें ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, पर्पल कलर है, तो इस बार आपकी दिवाली ना रोशन होगी बल्कि कलरफुल भी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लड़ी भी हैं और उनमें डिफरेंट शेप है। मैं चाहूँगी काशी एक बार ये जो पीछे पिंक और ब्लू आपकी लड़ियां दिख रही हैं, इनके बारे में। ये मैम आपकी डेकोरेशन के लिए काम आती है, इसमें आपका वैक्स टाइप का भरा हुआ है ताकि तुम्हारे आपकी लाइट स्प्रेड हो जाए, तो ये डेकोरेशन में आपके मंदिर वंदिर में आप सजा सकते हो। ये सारी आपकी मंदिर के लिए, बाहर वॉल्स के लिए, अगर गेट पर लगानी हो उसके लिए आप लगा। कितना प्राइस? ये मैम आपकी 200 तक है, ये ऑलमोस्ट सारी 200 है। बस मात्र 200 रुपये में आपको ये सब अपने घर को सजाने के लिए मिल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं एक डिफरेंट जो है वो लड़ी दिखाई दे रही है। न सिर्फ हमने यहाँ पर दियो की बात करी, ये सुंदर सुंदर जो झालरें हैं कहीं ना कहीं गेट को सजाने के लिए, दरवाजों को, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो घर के बाहर जो है हम कहीं ना कहीं डेकोरेशन करते हैं, और इसके लिए आपको अलग अलग वेराइटी जो है, शुभ लाभ दीपावली वाला जो है कहीं आपको लाइटिंग के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। झालर हमने आपको दिखाया है, एक ये कलरफुल लैम्प्स जो है वो आपके घर की शोभा को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं शुभ लाभ जैसे ये ऑफर जो है वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यानी कि आपको ना कहीं ये कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट में निकले तो हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, एक ही जगह पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो आपके लिए पसंद है वो मिल जाएंगे। अब आगे भी देख लेते हैं कि और क्या गिफ्ट के ऑप्शन यहाँ पर हैं, और एक आंटी यहाँ पर आई हैं, आप क्या खरीदने आए? बेटा हम मोमबत्ती खरीदने आए थे। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों में दिख रहा है दिवाली के मौके पर। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या कुछ ऑप्शन। बारी आती है मिठाइयों की, क्योंकि बिना मिठाई के तो खुशी का जो मज़ा है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, तो इसलिए हम मिठाई भी जो है प्रेफर करते हैं, और लोगों को ना सिर्फ मिठाई बल्कि जिन लोगों को मिठाई नहीं पसंद है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि लोग नमकीन पसंद करते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को ये भी गिफ्ट कर सकते हैं, और मिठाइयों के साथ साथ यहाँ पर चॉकलेट के भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बिस्किट जो है, कुकीज़ जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑप्शन है, तो मिठाइयों के बिना कहीं ना कहीं त्यौहार अधूरा रह जाता है। और हम ये प्रेफर करते हैं कि गिफ्ट के साथ हम एक मिठाई का डिब्बा भी यहाँ पर ज़रूर दें। और ये देखिए, अभी सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई है, गज्जक जो है उसके भी ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं, तो अगर आप उसका भी स्वाद लेना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों को तो वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। और इस बार दिवाली के मौके पर क्या कुछ खास है वो भी जान लेते हैं दुकान के ऑनर से, जो शॉप के ऑनर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार क्या लेकर आए हैं आप ग्राहकों के लिए? काफ़ी गिफ्ट पैक, कॉम्बो पैक्स लेके आए हैं, जिसमें नमकीन्स है, मिठाई हैं, कोचिज एक साथ बनी हुई हैं, और ताकि उसमें हमने उस पर ऑफर भी लगाया है कि दीपावली ताकि लोग हर कोई मिलजुल कर अच्छी तरह खुशी से त्यौहार मनाए, तो हमने बाई वन गेट वन का ऑफर बनाया है। हमारे साथ पास बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बाई वन गेट वन दे रहे हैं ताकि हर कोई दिवाली मना सके और बड़ी खुशी। कितना क्या सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे, मिठाइयाँ या नमकीन या चॉकलेट? देखिए दीपावली को देखते हुए लोग मिठाई से थोड़ा डर रहे हैं, तो इस वजह से तो लोग कुकीज और ड्राई फ्रूट्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चॉकलेट से जो कि एक राखी और भैया दूज का है, तो भैया दूज पर चॉकलेट्स होती है बहन भाई की, और दिवाली के लिए कुकीज नमकीन कॉम्बो पैक है। बिल्कुल, फेस्टिवल वीक है तो ऐसे में सब चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा गया है, न सिर्फ चॉकलेट्स बल्कि ड्राई फ्रूट्स। सबसे ज़्यादा लोग मिठाई प्रेफर कर रहे हैं या कुकीज़ का रुख कर रहे हैं? सबकी अपनी अपनी एक पसंद होती है, कुछ लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो कुकीज़। कुछ लोग घर में इतनी मिठाई इकट्ठी हो जाती है तो सोचते हैं कि कुकीज़ लेके चलते हैं, तो कुकीज़ सब है लेकिन मिठाई तो एक फर्स्ट है, लेकिन साथ में उनके साथ ऑप्शन है कि आप लोग कुकीज़ भी ले सकते हैं। नमकीन कॉम्बो पैक्स हैं, नमकीन और कुकीज़ और मिठाई के मिक्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि उसके साथ उसमें स्वीट्स का भी बॉक्स है, नमकीन का बॉक्स भी है, कुकीज़ का भी, इस तरह कॉम्बो पैक बना करके काफ़ी चल रहे हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को मिठाई से बजाना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिलावटी मिठाई बाज़ार में मिलती है, तो ऐसे में लोग अब मिठाइयों से कतराते ज़रूर हैं, लेकिन बिना मीठे के स्वाद कैसे आएगा, तो आप कहीं ना कहीं मिठाइयों के साथ चॉकलेट जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट जो आपके हेल्थ को पूरा अच्छे से रखते हैं और
चाहते हैं कि आपके रिश्तेदारों की और आपकी दिवाली हेल्दी यहाँ पर बने, तो उसके लिए भी एक बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपको न सिर्फ दिए, न डेकोरेशन का सामान, बल्कि मिठाइयाँ और भी क्या कुछ खास है इससे, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट यहाँ पर दिख रही है मुझे, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी दिखाना ज़रूरी है। और देखते हैं कि आगे क्या कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है। दिवाली की रौनक हमने आपको दिखाई कि बाजार में इस बार क्या कुछ खास है। तमाम तरह की आपको वैरायटी जो है वो हर चीज़ में दिखाई देगी, चाहे वो दिए हो, लाइटिंग हो, या फिर मिठाई हो, या फिर गिफ्ट्स हो। तो अगर आप चाहते हैं अपनी दिवाली को खास मनाना, तो इस बार आप पहुंचिए नोएडा की इस मार्केट में, और कहीं ना कहीं ये आपकी दिवाली के में चार चांद लगा देगी। जहाँ जगमगाया फिर से त्यौहार खुशी और दीपों का आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 TV और मैं हूँ फरा खान। जैसे मैंने कहा, हर जगह जगमगाया, हर जहाँ जगमगाया, तो हम आ गए हैं ब्रह्मपुत्र, और यहाँ से हम आपको मार्केटों की रौनक दिखाएंगे। आज दिवाली स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि क्या है मार्केट की डिमांड और आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ आपसे छूट रही है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम वैरायटी है फूलों की। अगर हम फूलों की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसके घर की डेकोरेशन अच्छी हो, क्योंकि दिवाली का मौका है, हर कोई मिलने आता है, तो जाहिर सी बात है कि घर में भी खूब सारी तैयारियां होना चाहिए, घर भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो अगर हम यहाँ फूलों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फूल हैं, और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि ये इतनी देर से बनाए जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं और जल्दी से लेकर जा रहे हैं। अगर हम इको फ्रेंडली दिवाली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि लोग आर्टिफिशियल से ज़्यादा फूलों को तवज्जो देते हैं, और आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। आप नज़र डालिए, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा देख के, फूल कितने प्यारे हैं, और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोग फूल लेकर जा रहे हैं। तो हम यहाँ जानना चाहेंगे दिवाली की तैयारियाँ आपकी कैसी चल रही हैं। बहुत बढ़िया चल रही हैं, मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत दिवाली मुबारक। तो अब हम आपको दिखाएंगे इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स में आपके लिए क्या है खास। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइटें हैं, हर कोई अपने घर में तरह तरह की लाइटें लगाता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम वैरायटी। अगर आप इसको देखें तो ये कितनी प्यारी है, कितनी एलिगेंट सी है, और यहाँ पर तमाम कलर हैं। अगर हम पिंक देखें, वाइट देखें, कलरफुल है, तमाम तरह की हैं। हर कोई चाहता है कि उनके घर में खूब रोशनी हो, क्योंकि त्यौहार ही रोशनी का है, तो हर कोई अपने घर को अच्छे से सजाता है, हर जगह लड़ियाँ लगी होती हैं। और आप देख सकते हैं लोग तमाम आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तरह तरह की यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं, खूब सारी वैरायटी है, और आप देख सकते हैं लग कितनी प्यारी रही हैं ये सारी लाइटें। तो आइए आगे चलते हैं, आगे और लाइटें देखते हैं। इस तरह आप देखिए लोग तरह तरह की लाइटें खरीद रहे हैं, लोग जा रही हैं, तो हम लोगों से बात करेंगे। आपकी दिवाली की शॉपिंग कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया मजा आ रहा है। तो अब तक आपने क्या क्या ले लिया? हमने दिए, खील, बताशे, लाइट देख रहे हैं। तो लाइट्स कैसी लग रही हैं आपको? अच्छी हैं, बहुत वैरायटी है यहाँ पे काफ़ी। दीपों की ये दिवाली दिए और कैंडल्स के बिना अधूरी है, तो आप ज़रा यहाँ पर नज़र डालिए और देखिए कितने सारी प्यारे यहाँ पे दिए हैं, कैंडल्स हैं। तो अगर हम दियों से बात करेंगे, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको यहाँ के दिए दिखाऊँ। ये देखिए डेकोरेटेड कितने प्यारे दिए हैं, इसका साइज़ देखिए और कितने अच्छे से इस पर डेकोरेशन हुई हुई है, कि अगर आपको चाहिए कि आप बच्चे होते हैं कभी कभार पेंट वगैरह करना चाहते हैं, डेकोरेट करना चाहते हैं, तो ये ऑलरेडी पेंट हुए हुए हैं। और अगर आपको सिंपल में चाहिए तो ये भी पेंटेड है, पर ये सिंपल में है। तो आप यहाँ पहले इन दियों पे नज़र डालिए, जैसे ये रेड में है, रेड पे इस पर कितना अच्छा वर्क हुआ हुआ है, फिर आप पीछे देखिए कितने प्यारे दिए हैं। अब हम अगर ऊपर की तरफ आएँ तो यहाँ पर ये देखिए मटके का कितना प्यारा कैंडल कह लीजिए इसे, या दिया सेट कह लीजिए, कितना प्यारा है, ये आपके घर की शोभा बढ़ा देगा। और यहाँ पे तमाम कैंडल्स हैं, अगर आप देखें तो कितना प्यारा कलर है, पिंक, ब्लू, ग्रीन, कितना प्यारा कलर है, इसमें स्पार्कल भी है जो आपके घर की रौनक बढ़ा देगा। और आप ये देख सकते हैं कितने प्यारे से डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि लोगों को ये वैरायटी कैसी लग रही है, उनका क्या कहना है, इसके बारे में बताइए कि क्या वैरायटी आई और लोग क्या किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। देखिए इस समय जो मोम के माल की बात है, मोम में सबसे ज़्यादा जेल ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें फ्लोटिंग का मामला होता है, तैरते हैं तो उसमें जो चिल्ड्रन हैं उनको ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि बड़ों को तो एक नॉर्मली वाइट मोमबत्ती का ही होता है, तो वो वाइट लेते हैं, अधिकतर ज़्यादातर लोग जेल लेते हैं।
त्योहारों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर लोगों के घर जाना होता है तो उन्हें दें क्या। लोगों को टेंशन होती है कि मार्केट में उन्हें क्या मिलेगा, कि वो अगर कहीं जाएं तो क्या लेके जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी आपके पास कितने सारे गिफ्ट ऑप्शंस हैं, आपके लिए क्या ख़ास है इस बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा ये ड्राई फ्रूट्स का है, जैसे कि हमेशा होता है तो इन्होंने तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स का सेट कर रखा है, छोटे से बड़ा है। और अगर आप डेकोरेशन की बात करें तो अगर आप ही किसी को देना चाहें तो कितनी तरीके से इस पर फिनिशिंग हुई हुई है। फिर अगर इसको छोड़ें तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप किसी को देंगे भी तो वो कितना खुश हो जाएगा। इस थाली को देखिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है ये, इसको कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है और इसके अंदर कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। यहाँ पे तमाम आपको चॉकलेट्स मिलेंगी, अगर आप जा रहे हैं तो बच्चे चॉकलेट से खुश होते हैं तो आप बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके जा सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि लोग कॉन्शियस होते हैं, आजकल डाइटिंग फ्रीक बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए ये सब आया हुआ है। तो चलिए हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या वैरायटी है। वैरायटी तो हमारे पास बहुत चीज़ है, ये सीड मिक्स का है डब्बे हैं और ड्राई फ्रूट का फैंसी डब्बे हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने बताया, अब यहाँ पे लोग भी हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं तो हम इन्हीं से जानेंगे। आप बताइए किस तरह की आपकी शॉपिंग हो गई और क्या वैरायटी आपको नजर आ रही है। 100 ऑफ वैरायटीज, यू कैन बाय एनीथिंग व्हाटएवर एज पर योर चॉइस एंड योर डिमांड एंड एज पर द प्राइस क्वालिटी व्हाटएवर यू वांट यू इट इज अवेलेबल इन होल द मार्केट। और जैसे हम कहते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली, तो क्या मार्केट इको फ्रेंडली दिवाली के लिए पूरी तरीके से रेडी है? ऑब्वियसली इको फ्रेंडली दिवाली है, एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ट्रेडिशनल जो चीज़ लोग फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ लोग यूज़ करना चाहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। तो हर तरह के फेस्टिवल के लिए हर तरह की चीज़ें हमेशा मार्केट में अवेलेबल होती हैं, सो दैट इज़ अवेलेबल फॉर दिवाली एज वेल। तो देखिए इन्होंने भी हमें बताया कि मार्केट भी इको फ्रेंडली दिवाली के लिए बिल्कुल रेडी है और तमाम वैरायटी है और लोगों को तमाम वैरायटी मिल रही है और लोग भी काफ़ी खुश हैं। तो हम आगे चलते हैं, आपको और चीज़ों से रूबरू कराते हैं। जो फेस्टिवल है वो गिफ्ट्स और मिठाइयों के बिना इनकम्प्लीट रहता है, तो अगर हम गिफ्ट्स पर नज़र डालें तो गिफ्ट्स में भी चेंजेस आएँ, क्योंकि हर किसी को नहीं पसंद कि आप मिठाई का डिब्बा लेकर जाएं। तो इन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप देख सकते हैं कितनी वैरायटी है बच्चों से लेकर बड़े तक। अगर मैं बच्चों की बात कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सेट है, इससे बच्चे कितना अट्रैक्ट होंगे। और हम बात करें तो चोको पाई से लेके रियल जूसेस बहुत सारी वैरायटी है, चॉकलेट्स हैं। तो मैं आपको ज़्यादा ना बताकर इन्हीं से जानूंगी कि किस तरह की वैरायटी है। तो क्या क्या वैरायटी है? चॉकलेट्स हैं बच्चों के लिए हैं, बाकी बड़ों के लिए हैं, कुकीज मिक्स है, स्वीट्स है, बाकी रियल जूसेस वगैरह हैं, चॉकलेट के आइटम्स हैं। तो किस तरह की डिमांड है, लोग कितनी क्या क्या चीज़ें लेके, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की? छोटे बच्चों की ज़्यादा डिमांड है, उसमें चॉकलेट्स हैं, बाकी चॉकलेट चोको पाई है, बाकी रियल जूसेस हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी यहाँ बोरोसिल के सेट्स हैं, यहाँ छोटे छोटे बॉल्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग में है मैं आपको दिखा दूँ ये कप्स हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे इन्होंने कप्स रख रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितना क्यूट सा है, ये बास्केट टाइप का है, इसमें आप नट्स वगैरह कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं, मार्केट पूरा वैरायटी के लिए रेडी है और लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, और भी वैरायटी है, पूरे कप्स हैं। कप्स पर अगर हम नज़र डालेंगे तो देखिए कितने प्यारे प्यारे ये कप सेट हैं, कितने अच्छे से इन पर फिनिशिंग हुई हुई है, कितना अच्छा ये सेट है। और ये नई नई वैरायटी रखे जा रहे हैं, अगर आप इस कप सेट को देखिए तो ये कितना प्यारा है। तो हम यहाँ शॉप के अंदर आ गए, यहाँ भी तमाम सामान है, लोग दिवाली पे बहुत सारी चीज़ें देते हैं, ड्रेसेस दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तरह तरह की वैरायटी होती है। आप अगर इधर देखें तो इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बोरोसिल के सेट्स हैं जिसमें आप नट्स रख सकते हैं, बहुत सारा सामान है, ग्लासेस हैं, स्पून्स हैं। और जैसा कि हमने बात की तो लोगों ने भी बताया धनतेरस था, रीति रिवाज के हिसाब से बर्तन लेना शुभ होता है, तो बर्तनों में काफ़ी वैरायटी है, शॉप के अंदर काफ़ी वैरायटी है, वो काफ़ी कुछ ले सकते हैं। यहाँ भी लोग खरीद रहे हैं, तो आइए इनसे देख लेते हैं। आपने अभी अभी क्या लिया है? आयरन प्रेस। दिवाली की शॉपिंग कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। अब हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की वैरायटी लोग मांग रहे हैं, किस तरह की वैरायटी की डिमांड है। मेरे पास जो वैरायटी मैम, हैंड ब्लेंडर, कैटल, जूसर, आपका बीटर, इलेक्ट्रिक कैटल हो गया, स्ट्रेटनर हो गया, कर्लर हो गया, हेयर ड्राई हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे एक्सपेंसिव रखते हैं हम लोग। तो कुछ डिस्काउंट वगैरह है? हाँ, 10-25% तक डिस्काउंट देते हैं जी। तो ये सिर्फ दिवाली तक ही रहेगा? दिवाली तक ही रहता है मैम ज़्यादातर। तो देखा
शॉप्स वालों ने भी डिस्काउंट दे रखा है, लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी जैसे वो आयरन लेके गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि गिफ्ट के ऑप्शंस में आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिठाइयाँ दे सकते हैं। आपके पास क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें देते हैं तो वो ट्रेंड में रहता है, लोगों का टाइम बचता है। अगर आप उनको आयरन दे रहे हैं, एग ब्लेंडर दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो लोगों के लिए गिफ्ट वाकई काम की चीज़ होगी। तो आपने देखा कैसे मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की रौनक दिखाई, मैंने कैसे आपको दिखाया कि मार्केट आपके लिए कितना रेडी है, कितनी रौनक है मार्केट में, कितनी वैरायटीज़ हैं जो आपकी दिवाली में चार चांद लगा सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ड्राई फ्रूट्स हो, मिठाइयाँ हो, डेकोरेशन का सामान हो। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं लिया है और चीज़ें रह गई हैं, तो आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं और आपकी दिवाली अच्छी हो सकती है। तो मेरी तरफ़ से आपको हैप्पी दिवाली, और R9 TV की तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं फराह खान, R9 TV।